प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के आदेश पर निवारण समिति की बैठक में आई शिकायत पर प्रशासन हरकत में आया। सुनौली रोड स्थित शिवमाव भंडार पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार्रवाई की। दरअसल मिलावटी मावा बेचने की शिकायत पर अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे थे। शिकायतकर्ता ने डिप्टी सीएम से मामले में शिकायत की थी, जिसके बाद टीम ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। आपको बता दें, मावा भंडार पर दुकानदार दुकानों को ताले लगाकर फरार हो गए। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसी भी तरह से खाद्य पदार्थों में मिलावट सहन नहीं की जाएगी। इस तरह से अगर कोई मिलावट करता है तो उसकी शिकायत को रोकने का काम आम आदमी भी कर सकता है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर सैंपल लिए हैं और उसकी रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखो, मामला ये है जी, मावा भंडार से मैंने मावा खरीदा और जब मावा मुझे मेरे हलवाई ने बताया कि मावा खराब है जी, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ जी। ये बात होगी 2 साल पहले की जी। उसके कुछ दिन बाद, अभी 6-7 महीने बाद, किसी आदमी ने मुझे सूचना दी कि जी वास्तव में इस तरह से मावा आता है। वो बहुत ही गोपनीय आदमी था जिसने मुझे बताया। उसकी बात पर मुझे विश्वास हुआ कि वास्तव में मेरे जो हलवाई था उसने बताया मुझे कि मावा खराब है। लेकिन हलवाई की बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने बताई मुझे तब मुझे विश्वास हुआ। भाई, हम तो प्रतिष्ठित दुकान पे इसलिए जाते हैं, भाई 2 रुपये महंगा जरूर मिलेगा लेकिन अच्छी चीज़ मिलेगी, इसलिए जहाँ मतलब इतनी अच्छी दुकान पे भी ऐसा हो रहा। उसके बाद हमने शिकायत दी विभाग को, विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की, कोई कार्यवाही नहीं की। मैं सीएम इंडो पे शिकायत दी, उसके बाद मेरी सीएम इंडो की शिकायत अब सीएम साहब के पास आई। सीएम अभी क्या कुछ मिला यहाँ पे? अभी तो ये कह रहे जी मावा तो खत्म है जी। अब बताओ, इतनी बड़ी दुकान पर मावा कैसे खत्म हो जाएगा? 100 ग्राम मावा भी नहीं इतनी बड़ी दुकान पे। कितने बजे आपने ये बड़ी सोचने वाली बात, ग्रेवेंसीज कमेटी में आपकी कितने बजे सुनी गई थी शिकायत? शिकायत तो लगभग में आए होंगे जी 4:30-4 बजे के आसपास। आदेश किस टाइम दिया गया था? उसी टाइम। और कितने बजे आपकी ये आए हैं अधिकारी? ये अधिकारी तो लगभग आए होंगे, आधा घंटा हो गया जी हम यहाँ खड़े लगभग। पीएम विंडो से एक परिवादी आया था, उसने ये मांग करी कि एक मावा स्टोर नकली मावा बेचता है। मैंने तुरंत जो हमारे खाद्य सुरक्षा अधिकारी, पुलिस का एक अधिकारी और उस कंप्लेनेंट को उस स्टोर पे भेजा है कि आज उसका दोबारा रैंडम सैंपल उठाया जाए और तुरंत टेस्ट कराया जाए। ये तो हमारी एज गवर्नमेंट नहीं, एज सिटीजन्स भी जिम्मेवारी है कि कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ मार्केट में ना बिके, क्योंकि ये एक नहीं पता नहीं कितनी वस्तुओं में मिलती है, सबकी जान को खतरा अपने आप में।